स्टूडेंट्स, वी हैव डन चैप्टर 12 इन द लास्ट क्लास. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 13, लिक्विड मेज़र कैपेसिटी. हम किसी भी लिक्विड को हम मेज़र करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर में. ओके, यूनिट ऑफ लिक्विड मेज़र, लीटर एंड मिलीलीटर आर टू पॉपुलर यूनिट्स ऑफ लिक्विड मेज़र. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. लीटर इज़ अ बिग क्वान्टिटी एंड मिलीलीटर इज़ अ स्मॉल क्वान्टिटी. ओके, now we will start exercise 13A. in a family 500 milliliter of milk was used on Monday and 450 milliliter of Tuesday. how much milk was used in 2 days? Monday ko itna use hua and Tuesday ko itna, to 2 days mein kitna use kara milk? 500 milliliter and 450, isko add kar lenge. 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 5 plus 4 9, 950 milliliters. 950 मिलीलीटर ऑफ मिल्क वॉज यूज्ड. 950 मिलीलीटर 2 डेज में यूज़ करा है मिल्क को. 15 लीटर ऑफ वाटर वॉज फिल इन अ कैन ए एंड 10 लीटर ऑफ कैन बी. हाउ मच वाटर वॉज फिल इन बोथ द कैंस? 15 लीटर तो 1 कैन ए में है और 10 लीटर बी में है, तो दोनों को प्लस किया. 5 प्लस 0 5 एंड 1 प्लस 1 2, 25 लीटर्स. 25 लीटर ऑफ वाटर वॉज फिल इन बोथ द कैन. 25 लीटर वाटर फिल होगा दोनों कैंस में. ओके, फर्स्ट इज सरिता बाय 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क. 1 बॉटल कंटेन 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एंड सेकेंड अदर कंटेन 200 मिलीलीटर ऑफ मिल्क. हाउ मच मिल्क डज शी बाय? उसने कितना खरीदा दोनों उसमें बॉटल्स में कितना डाला? तो फर्स्ट इज 500 मिलीलीटर एंड सेकेंड 200 मिलीलीटर, दोनों को प्लस कर लेंगे. 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7, 700 मिलीलीटर्स. क्या आ जाएगा? 700 मिलीलीटर्स मिल्क शी बाय, उसने 700 मिलीलीटर्स 2 बॉटल्स परचेज करी. सेकेंड अ वाटर टैंक हैज 175 लीटर ऑफ वाटर एंड 78 लीटर मोर वाटर इन टू द टैंक. हाउ मच वाटर इज द देयर इन द टैंक नाउ? 175 वाटर था, उसमें और डाला 78, तो 175 लीटर 78 पीछे से लिखेंगे 8 एंड 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. 8 प्लस 5, 8 के बाद काउंट करेंगे 9 10 11 12 13 का 3 यहाँ पे 1 कैरी. 7 प्लस 7, आफ्टर 7 विल काउंट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 एंड 1, 15, 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी. 1 प्लस 1, 2, 253 लीटर्स. ओके, क्या आ जाएगा? 253 लीटर वाटर इस इन द टैंक नाउ. 253 लीटर वाटर इन द टैंक नाउ. फर्स्ट इतनी थी लीटर, उसमें इतना और वाटर प्रयोग कर दिया, उसमें भर दिया, तो बताओ अब कितना वाटर टैंक में हुआ? तो दोनों को प्लस कर लिया. ओके, एक्सरसाइज 13B. अ बकेट हैज अ capacity of 5 liter and already has 2 liter of water in it. How much more water can be poured in it? उसमें 5 liter था, 5 liter capacity और 2 liter तो उसमें water था ही, कितना और डाला जा सकता है? माइनस करने पे पता चलेगा 5 माइनस 2 3 liter. 3 liter more water can it poured. Harish drink 200 milliliter of milk at a breakfast and 250 milliliter of night. How much more milk does he drink it at night? कितना ज़्यादा उसने दूध पिया कंपेयर ब्रेकफास्ट के नाइट में? ब्रेकफास्ट में ज़्यादा पिया या नाइट में ज़्यादा पिया, उसका कंपेयर करना है अपन को. 250 माइनस 200, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 0. 50 मिलीलीटर, ही ड्रिंक 50 मिलीलीटर मोर मिल्क एट नाइट. नाइट को ज़्यादा पिया 50 मिलीलीटर मिल्क. ओके, संजय पुट 9 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार इन द मॉर्निंग.
During the day, 5 liter of petrol was used. How much petrol is left in the car? 9 liters का पेट्रोल फिल कराया था मॉर्निंग में, 5 लीटर यूज हो गया, तो बताओ कितना कार में लेफ्ट बचा. तो 9 लीटर एंड माइनस 5 लीटर, 9 माइनस 5 4 लीटर, तो क्या आ जाएगा, 4 लीटर पेट्रोल इज लेफ्ट इन द कार. 4 लीटर पेट्रोल लेफ्ट बचा है कार में. ओके, द कैपेसिटी ऑफ मग ए इज 700 मिलीलीटर एंड द कैपेसिटी ऑफ मग बी इज 450 मिलीलीटर. व्हाट इज द डिफरेंस इन द कैपेसिटी ऑफ टू मग. डिफरेंस पूछा, यानी माइनस टू मग में डिफरेंस बताना है कि कितना है. 700 मिलीलीटर एंड 450 मिलीलीटर, दोनों का डिफरेंस बताना है. 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 नहीं माइनस हो सकते. टेक अ बोरो, यहाँ हो जाएंगे 6, यहाँ हो जाएंगे 10. 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 4 2, 250 मिलीलीटर डिफरेंस आ गया. तो अपन क्या लिख देंगे, डिफरेंस इन द कैपेसिटी of the two mugs is 250 milliliter. 250 milliliter difference आया है, ठीक है ना. ऐसे ही हो जाएगा, a small bottle has 20 milliliter of medicine, a patient drank 10 milliliter of medicine during the day. How much medicine left in the bottle? बॉटल में कितनी मेडिसिन लेफ्ट बची है, तो माइनस करके बता देंगे. ओके,